हेलो दोस्तों, अगेन वेलकम इन माय चैनल। ट्विटर पर आपका स्वागत करता हूँ। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आप कैसे इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपना जो है तो अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए आप रिक्वेस्ट जो है तो सेंड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के जो ऑनर ये जो पॉलिसी वाले होंगे वहाँ पर आप कैसे उनके कस्टमर्स के पास अपनी जो है तो रिक्वेस्ट अकाउंट वेरिफिकेशन की रिक्वेस्ट जो है तो सेंड कर सकते हैं। मतलब अपना अकाउंट वेरीफाई करना चाह रहे हैं आप किसी और के लिए, या तो आप स्पोर्ट के लिए, बिजनेस के लिए, कुछ भी करने के लिए आप यदि वेरीफिकेशन चाहते हैं तो कैसे आप बिल्कुल वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैं बिल्कुल आसान सी ट्रिक में आपको बताऊँगा कैसे आप बिल्कुल आसानी से ये काम कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करने के बाद आपको चले जाना मैन वाले आइकॉन पर। जाने के बाद आप थ्री डॉट पर जाएंगे, उसके बाद आप चले जाएंगे सीधे सेटिंग के ऑप्शन पर। यहाँ पर जाने के बाद आप चले जाएंगे अकाउंट पर। अकाउंट में जाने के बाद आप देख रहे होंगे रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज ओपन होगा। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपका यूजर नेम, फुल नेम, नोन एज, सेलेक्ट कैटेगरी। यहाँ पर आप कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आप अकाउंट जिसके लिए वेरिफिकेशन चाहते हैं तो, और आप सेंड के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप फ़ोटो भी ऐड कर सकते हैं, फ़ोटो आईडी हो गया, ये करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ऊपर का डाटा आप करके सेंड कर दीजिए, आपकी हो जाएगी। फिर आप रिक्वेस्ट सेंड कर देंगे, उसके बाद वहाँ से आपको कंफर्मेशन मैसेज आएगा कि आपका अकाउंट वेरीफाई हो चुका है इस चीज़ के लिए, और आप इस पर जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो इस तरह से आप समझ गए कैसे आप इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट बिल्कुल आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें या ना करें, पर यदि अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक ज़रूर करें ताकि मैं अगली बार और इससे अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास करूं। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो चैनल को भी सब्सक्राइब करके इस तरह के वीडियो आप आगे भी भविष्य में देख सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।